नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, हमारी गार्डनिंग टिप्स में। तो आज हम गार्डनिंग के बारे में बात करेंगे। उसमें हमने स्पेशली तीन पौधों को सेलेक्ट किया है। पहला है स्ट्रॉबेरी, दूसरा है रेनुकुलस और तीसरा है कैलेंडुला। तो हम इन तीन की टेकिंग केयर करेंगे। जैसे हमने एक से डेढ़ महीने पहले पौधा लगाया है इनका, और आज हम उसकी टेकिंग केयर करेंगे। किस लिए करेंगे कि हम आने वाले समय में, जो आने वाले एक महीने के अंदर, हम उस पर हैवी फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं। नहीं तो सिंपली होता ऐसा है कि आप लगा देते हैं और नॉर्मली काम करते रहते हैं, उसमें जो दो चार फूल आया नहीं आया। या स्ट्रॉबेरी की बात करें तो किसी का एक फल, किसी का दो फल लगा हुआ है। लेकिन ऐसा हमें नहीं लेना है। हमें क्या करना है कि उसमें ऐसी टेकिंग केयर उसकी करनी है कि कम से कम एक एक पौधे पर 25 से 30 फल आ सके और एक साथ आ सके, मतलब फूलों से भर जाए और फूलों से भर जाए पूरी तरह से। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं वो आपको हम बताएंगे। तो उम्मीद है आप बने रहेंगे हमारे साथ लास्ट तक, कि देख सकेंगे कि क्या हम ऐसा करते हैं कि हमारी इतनी हैवी फ्लावरिंग हमारे गमलों में होती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि एक 8 इंची का गमला और फूलों से बिल्कुल भरा हुआ है, पत्ते ऊपर से दिखाई नहीं देते। तो इसी तरह की फ्लावरिंग के लिए मैं आपको आज जो है टिप्स देने जा रहा हूँ कि क्या हम उसका न्यूट्रिशन देंगे और क्या तरीका होगा हमारा, जिससे हमारी जो गमले हैं वो फूलों से और फलों से भर जाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने काम की तरफ। हम सर, 1.5 महीने पहले हमने ये स्ट्रॉबेरी प्लांट लगाए थे, छोटे छोटे आपने देखे थे, और 8 इंची के गमलों में मैंने रिकमेंड किया था। 8 इंची गमलों में रिकमेंड करने का मेन मकसद ये था मेरा, वैसे बड़े में भी लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए कि यहाँ गुच्छों में फूल आ रहा है, और ये फूल क्या होगा कि फल जो है, जैसे यहाँ आ गया है देखिए, तो ये फल बाहर लटक जाएगा। तो इससे हमारा क्या होगा कि फल ख़राब नहीं होगा, मतलब मॉइस्चर नहीं लगेगा फल के ऊपर, तो फल हमारा ख़राब नहीं होगा। इसीलिए मैंने 8 इंची गमलों में रिकमेंड किया था। और बहुत अच्छा, जैसे कि मेरे वीडियोस में देखा, आपने फोटोज़ में देखा, बहुत अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो जाती है इसके 8 इंची गमलों के अंदर ही, क्योंकि इसको डेप्थ जो चाहिए होती है 6 इंची से अबव चाहिए होती है। तो इसको 8 इंची डेप्थ मिल रही है 7 इंची, तो प्लांट बहुत बढ़िया सर्वाइव कर जाता है। बस ये है कि इसको टाइम टू टाइम जो है न्यूट्रिशन मिलते रहना चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हो कि 1.5 महीने के अंदर ये आप इतनी फ्लावरिंग इसके अंदर है और कितने ही निकल रहे हैं, जबकि अभी इसकी रूट फीलिंग और कुछ ऐसा नहीं हुआ है। जस्ट लगा करके और लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको 2 बार डाला गया है बस, तो इतनी है। और दूसरी बात जो देखने वाली है इसमें, आपको क्या करना है, पानी बहुत कम रखना है। अब ये देखिए कि पानी मेरे को, अभी पीछे बरसात हुई थी एक दिन, तो बरसात तो मेरे ख्याल से 8 दिन का टाइम हो गया होगा, और अभी तक हमने इसमें कोई पानी नहीं डाला है। देखिए बिल्कुल मिट्टी जो है एकदम सूखी नज़र आती है। तो इसको जो है पानी सुखा के ही रखना है, स्ट्रॉबेरी में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तभी ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो जिस मात्रा में आपको चाहिए, जैसे कि देखिए नीचे से निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग तभी होगी जब इसका पानी का मात्रा कम करेंगे। देखें, ये देखिए बिल्कुल है नहीं। अब खोद के देखेंगे तो 2 इंची नीचे जाएंगे तो इसको मॉइस्चर आपका मिलेगा। इसकी रूट काफ़ी लंबी होती है और फाइबरस होती है, जैसे मैंने आपको दिखाया है। तो नीचे अगर मॉइस्चर है तो उससे ही अपना चलता रहता है और न्यूट्रिशन लेता रहता है। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती इसमें। तो अभी जैसे मौसम है, इस मौसम में आप कम से कम 5 दिन बाद आपको पानी डालना है इसमें, 5 दिन 6 दिन। और 5 दिन 6 दिन भी अगर ओस ज़्यादा पड़ गया रात को, तो फिर उसमें भी आपको टाइम बढ़ा सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कि इस तरह से उंगली मार के देखेंगे कि भाई हाँ, मॉइस्चर कंटेंट बना हुआ है, तो आपको पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नहीं तो ज़्यादा पानी डालेंगे तो या तो पौधा मर जाएगा, फंगस लग जाएगा, पीला हो जाएगा, या फिर दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि पौधे की ग्रोथ तो हो जाएगी, फ्रूट जो है एकाध कहीं आ जाएगा, मतलब नाम मात्र का दिखाने के लिए। तो हमें फ्रूट को दिखाना नहीं है, फ्रूट इतना लगा लेना, मतलब लगना चाहिए कि हमारी जो नीड है वो कम से कम पूरी हो जाए। स्ट्रॉबेरी खानी है तो हमने अगर घर में लगा लिया है 8 गमले 10 गमले या 5 गमले, तो हमारी जो नीड है उससे फुलफिल हो जानी चाहिए। तो इस तरह से लेके चलना है। अब रही बात हमें क्या न्यूट्रिशन देना है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि रूट फिलिंग करनी है, तो रूट फिलिंग किस चीज़ से करनी है। देखिए सबसे जो बढ़िया इसका रूट फिलिंग का सिस्टम है वो आप लीफ कंपोस्ट से कर सकते हैं। अच्छा लीफ कंपोस्ट आपका बढ़िया मिल जाए और बैक्टीरिया कल्चर वाला, तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। क्योंकि जो बैक्टीरिया कल्चर लीफ कंपोस्ट है वो मिट्टी में जितने न्यूट्रिशन है उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। उससे क्या होता है, प्लांट के रूट बड़ी इजीली उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं।
मैं एक छोटा सा एग्जांपल फिर से दे रहा हूँ। जैसे कि गेहूँ उगाने के बाद गेहूँ हमारे घर में आ जाता है, लेकिन हम उसको खा नहीं सकते क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम गेहूँ को डायरेक्टली नहीं कंज्यूम कर सकते, और हम उसको क्या करते हैं, फिर धोते हैं, साफ़ करते हैं, फिर आटा बनवाते हैं। आटा बनवाने के बाद भी खाना नहीं पॉसिबल होता, रोटी बनती है, फिर उसको हम मुंह में ग्राही लेते हैं, चबाते हैं, और फिर जा कर के कहीं पेट में जाता है, फिर डाइजेशन होने के बाद तब वो एब्जॉर्ब हो करके हमारे ब्लड वेसल्स में या ब्लड में मिलता है। जो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स है या प्रोटीन्स हैं वो प्रोवाइड होता है। लेकिन प्लांट के केस में हम सोचते हैं कि ये गोबर की खाद डाली और ये सिंपल खाद डाला और जो है ना चल जाए, तो इसीलिए प्लांट जल्दी चल नहीं पाता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मटेरियल है, उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत टाइम लगता है। और आप इस तरह से बैक्टीरिया कल्चर डालते हैं या लिक्विड फर्टिलाइजर डालते हैं तो उसका क्या है, वो सिंपल फॉर्म में आ गया, रेडी टू यूज़ फॉर्म में आ गया, तो उससे यही होगा कि प्लांट जैसे ही जाएगा लिक्विड फॉर्म में जाएगा तो वो क्या होगा कि प्लांट एकदम से एब्जॉर्ब करेगा और उसकी जो ग्रोथ है वो अल्टीमेट हो जाएगी आपकी। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए। जैसे कि मेरे प्लांट्स आप देख रहे हैं, कई लोग कहते हैं इस लाइफ में तो होगा नहीं, लेकिन इस लाइफ में क्यों नहीं होगा, छोटा सा एफर्ट हमें करना है, हो सकता है कि साल दो साल लग जाए, छः महीने लग जाए, बट ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है कि इस लाइफ में नहीं होगा। और मैं टाइम टू टाइम आपको, मतलब हर वीकेंड पे आपको कुछ ना कुछ नया बताता हूँ कि भाई उसको आप फॉलो करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप हर चीज़ से फुलफिल हो जाएंगे, मतलब हर तरह की नॉलेज प्लांट्स के बारे में आपको गेन हो जाएगी। जो इसको कंटिन्यूसली देख रहे हैं या नोट डाउन करके चल रहे हैं उनके लिए, अब जिनको नहीं देखना है, नहीं मतलब सुने और निकाल दिया, फिर उनके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं बताता हूँ अब यहाँ तक हो गई बात, और इसको हम क्या करेंगे अभी, तो स्टार्ट करते हैं इसकी। उसके लिए मैं तकान, देखो मेरा जो लीफ कंपोस्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये लीफ कंपोस्ट और ये लिक्विड फर्टिलाइजर। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र तो जिन्होंने यूज़ किया है उसका रिजल्ट जानते ही हैं, और मैंने बता भी दिया कि क्यों लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है ये काम करता है। एक तो बैक्टीरिया कल्चर है, तो वो प्लांट के अंदर जाने के बाद जो उसके अंदर न्यूट्रिशन और भी पड़ा हुआ है उसको भी सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे प्लांट ले पाते हैं। और कुछ इसका जो हमारा माइक्रो और मल्टी न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद हैं वो जाते ही प्लांट्स को मिल जाता है, तो वो उसको कंज्यूम करना शुरू कर देता है, तो इसलिए इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। तो हम पहले लीफ कंपोस्ट से चले, गमला है इसको इस तरह से हम खोदेंगे, और एक्स्ट्रा पत्ता अगर ख़राब होगा तो उसको निकाल देंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कोई एक्स्ट्रा पत्ता ख़राब हो हमारा तो हम उसको निकाल दिया करते हैं। तो इसमें अभी एक्स्ट्रा पत्ता ऐसा कुछ नहीं, ये लग रहा है कि ये थोड़ा हमारा पत्ता पुराना है, इसको हमने निकाल दिया। और इस तरह से हमने छोटी खुरपी लेनी है आपने, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, नहीं तो क्या है कि इसके रूट्स कटने के चांसेस होंगे। देखिए छोटी खुरपी है, इससे भी छोटी एक आती है वो भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं दिखाऊं आपको है अभी यहाँ पर, ये भी ले सकते हैं इस तरह का, तो ये मिलेगा नहीं तो आप सरिये का बनवा सकते हैं, लोहार के पास बन जाएगी छोटी सी, तो इस तरह से खोद सकते हैं। और ये जैसे नई पकड़ में बन रहा है तो इसके ऊपर एक पाइप का टुकड़ा होता है, जो अपनी पानी वाली पाइप होती है आधा इंची, इसके ऊपर चढ़ा देंगे तो इसकी होल्डिंग अच्छी बन जाएगी आपकी। हम ये ना लेते हुए, ये हमारे पास मौजूद है छोटी, तो हम इसको लेते हैं और इसको इस तरह से साइड से खोद देंगे। बहुत हैवी फ्रूटिंग के लिए आपके सामने है, आप देखेंगे कि किस तरह से होता है ये फ्रूटिंग इसमें। तो इस तरह से खोदा हमने और लगभग 1 से 2 इंची खोद दिया है, देखें यहाँ पर रूट्स अब आनी शुरू हो जाएंगी इसकी। और इस तरह से गमला हमारा 8 इंची है, ये हमने लिया लीफ कंपोस्ट और ये देखिए इसकी हमने यहाँ पर फिलिंग कर दी। अगर ज़्यादा मिट्टी लगे तो मिट्टी को थोड़ा निकाल लीजिए, क्योंकि हमारा जो ये इसका शूट है इसके अंदर मिट्टी हमारी जानी नहीं चाहिए। जैसा मैंने बताया, जैसे यहाँ से देखिए फुटाव ले रहा है तो इसमें जानी नहीं चाहिए, तो हम खाद डाल रहे हैं और मिट्टी हमारी एक्स्ट्रा है अगर गमले के अंदर तो उसको हम थोड़ा सा निकाल सकते हैं। तो एक मुट्ठी हमने ये डाला और ये एक मुट्ठी दूसरा लिया और ये देखिए ये इस तरह से डाला और छोड़ दिया। अगर मिट्टी एक्स्ट्रा है तो हम इस मिट्टी को निकाल लेंगे। ये हमने इसकी रूट फिलिंग हमने कर दी, 2 मुट्ठी खाद हमने इसको दे दिया। अब ये हमारा तैयार है। अब खाद हमने दे दिया तो अब पानी कब डालना है, कई लोग पूछ लेते हैं बीच में कि पानी कब डालना है।
तो खाद हमने डाल दिया, आज का दिन एज इट इज छोड़ दो, कल इसमें पानी हम डाल देंगे। पानी इतना डालना है, देखिए मैंने हमेशा कहा है कि एक इंची जगह आप गमले में, डेढ़ इंची की जगह, कोई भी साइज़ का गमला हो, ऊपर से इतना ही छोड़िए। इसमें पानी डालेंगे तो सीप करके इस गमले की मिट्टी जो है वो गीली हो जाएगी, नीचे से हमारा पानी कभी नहीं निकलेगा, और नीचे से नहीं निकलेगा तो न्यूट्रिशन जो है एज इट इज़ प्लांट को मिलेगा, अंदर ही रहेगा तो। और दूसरा, जो जगह जहाँ भी आपने पक्की जगह पर रखी हुई है तो वो जगह भी आपकी ख़राब नहीं होगी। तो हमने इसको डाल दिया, अब हम कल क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे, आज नहीं पानी डालेंगे, कल डाल देंगे पानी। और पानी की मात्रा भी आपको मैंने बता दी कि इतना ही फिल करें, और जिनकी ज़्यादा जगह है इतने बड़े पौधे में तो बड़ी मुश्किल से 500 ml पानी आपको डालना है, 500 ml पानी आपको डालना है अंदाजे से, तो ये पानी इसके लिए सफिशेंट होगा। ज़्यादा धूप हो रही हो तो 500 से 700 ml पानी डाल सकते हैं इसमें। तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं 4 से 5 दिन देंगे और थोड़ा सा ये सूखेगा, फिर हम इस तरह से इसकी गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने के बाद ये हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसका 1:4 करके इस गमले में, इस पौधे के साइज़ में लगभग 200 के ml के आसपास हम इसमें डाल देंगे। और फिर हमें डालना क्या है, अब क्योंकि ये प्रूटिंग पे आ गया, इस टाइम इसको जो है फीड की बहुत ज़रूरत है। जितना इसको आप फीड देते रहेंगे उतनी इसके अंदर प्रूटिंग से भर जाएगी। तो हमें फीड क्या देना है, अब यही फीड देना है। ये तो हमने रूट फिलिंग कर दी, इसके बाद कोई हमें सॉलिड खाद इसके अंदर नहीं डालना है, इसके बाद हमें सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। अगर ये हमारे वाला अवेलेबल हो जिनके पास, ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो बर्मी कंपोस्ट का वाटर है वो कर लें भिगो के, और उसका रेशियो मैं बता दूँ, 2 किलो वर्मी कंपोस्ट लिया आपने तो 5 लीटर पानी में भिगो दीजिए, उसको निकाल लीजिए। और इसी तरह से अगर 5 लीटर पानी में मिलाना है तो 100 से 200 ग्राम सरसों की खली मिला लें, जिनके पास नहीं है तो वो अल्टरनेट तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं, और उसको 7 दिन भिगो के और फिर इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में आप डाल सकते हैं। केमिकल तो मैं देखो कहता नहीं हूँ, क्योंकि जब मिट्टी को नरिश करने चले हैं और केमिकल डालेंगे तो मिट्टी तो फिर वैसी की वैसी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको डाल के इसको रख लेना है। ये सभी पौधों में अगर कोई वीड्स हो, जैसे देखिए ये वीड्स उग रही हैं, तो इसको निकाल देना है, नहीं तो अभी तो छोटा है ये, अदरवाइज़ क्या करेगा ये, इसका सारा न्यूट्रिशन धीरे धीरे खा लेगा, तो वो प्लांट फिर बढ़िया ग्रोथ नहीं करेगा। ये देख लें एक बार दोबारा से, इस तरह से हल्का करना है, ये हमने डाला, 2 जगह डाल दीजिए बहुत है। रूट फिलिंग का बहुत बड़ा जो है असर होता है पौधों में। अब जैसे इसमें देखिए पत्ता है, ये खराब लग रहा है, तो इसको हम इसको निकाल देंगे। तो इसलिए मैंने पूछ लिया। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए थैंक। नहीं 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 ठीक है ठीक है, बेनिफिट होना चाहिए ना जी। देखिए ये देखिए आप, ये अर्थ बॉम देखो आप, कि अगर मिट्टी में केमिकल हम डालेंगे तो ये कहाँ मिलेगा, ये मिट्टी में से निकल के आ रहा है। देखो जैसे मैंने खोदा है, ये देखो आप देख पा रहे हैं। हेलो, हाँ जी, तो ये अगर मिट्टी में हम केमिकल डालेंगे तो ये तो बेचारे जीव मर गए, कहाँ से कहाँ करेंगे ये। ये देखो इसको ठंड लग रही है, इसको मिट्टी से बाहर निकल गया ना, ये देखो बता रहा हूँ ना, कि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल नहीं यूज करेंगे ना, तो ये जो जीव जंतु हैं नेचुरल खाद में अपने आप पनप जाता है, मतलब कहीं ना कहीं से। और अगर हम वो चीज़ें डालें तो जब मिट्टी में है भी ना अगर, तो वो मर जाता है बेचारा। तो जो सिंपल फॉर्म में तोड़ने की बात कही, कि जो हम न्यूट्रिशन देते हैं, अब अर्थवर्म भी क्या करता है,
जो हम कुछ दे रहे हैं इसके अंदर वो उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन करता है। जो वर्मी कंपोस्ट जो है उसको भी ब्रेक डाउन कर देता है, तभी वो न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है। तो ये गमले में मैंने जैसे मिट्टी निकाली तो इसी के अंदर मौजूद था ये। तो अगर ये केमिकल हम यूज़ करेंगे तो ये तो रहेंगे नहीं, मर जाएंगे। जैसे इसके ऊपर यूरिया डीएपी पड़ा तो वो कहाँ बचेगा। किसानों, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है, वो बात है ना, ब्रेक डाउन कर देता है। जो हमारे जो भी खाद हम डाल रहे हैं पौधे में वो क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। जैसे मैंने गेहूं का एग्जांपल दिया कि गेहूं हमने उगा लिया, सब कुछ कर लिया, खरीद लिया, बट उसको खा नहीं सकते हैं जब तक कि उसका फॉर्म सिंपल फॉर्म में ना आए। और देखो कितने प्रोसेस हमें करना पड़ता है, गेहूँ का आटा बनाना पड़ता है, आटे को फिर गूंदना पड़ता है, फिर रोटी बनती है, फिर उसको हमें ग्राई को चबा चबा के उसको पेट में देना पड़ता है, फिर वहाँ भी जा कर के वो डिजॉल्व होता है, तब उसका कहीं न्यूट्रिशन निकल के हमारे ब्लड में जाके मिलता है। तो इसी तरह प्लांट के प्रोसेस में है कि प्लांट का जो रूट्स है, हाँ जी हाँ जी, तो कुछ तो इस तरह से हमने कर दिया इसको, और ये कहलाती है रूट फिलिंग। रूट फिलिंग का मतलब अभी हमें जब फ्रूट आने शुरू हो गए, जैसे फ्लावरिंग प्लांट में मैं कहता हूँ डेलिया में करना है, क्रिसेंथेमम में करना है, तो इन सब चीज़ों में जैसे अब फ्लावरिंग का टाइम आने लग जाए, महसूस हो जाए कि भाई अब होने वाला है फ्लावरिंग, तो उसको क्या करना है हमें कि रूट फिलिंग कर देनी है। रूट फिलिंग से ये आपको मैंने बताया कि क्या बेनिफिट होने वाला है रूट फिलिंग का, और आपको दिखाई दे जाएगा रूट फिलिंग में। जैसे अभी देखा है आपने कि दो दो चार चार फूल जो है निकलने शुरू हुए हैं और अंदर से आ रहे हैं। तो ये चीज़ें मिलने के बाद इसकी मात्रा जो है वो फूल की बहुत निकलनी शुरू हो जाएगी, और आपको 4 से 5 दिन बाद गुड़ाई करके और फिर आपको 200-200 ग्राम लिक्विड फर्टिलाइज़र डाइल्यूट करके डालना है। अगला जो हमारा था वो है, हम रेनुकुलस की तरफ चलेंगे। अब हम ये करते हैं कि देखिए अब ये 2 महीने के अराउंड हो गया इसको, और रेनुकुलस के 2 महीने में ये देखिए इसमें भी पानी की वही मात्रा, देखिए पानी बिल्कुल जो है ना के बराबर है पानी, अभी बिल्कुल सूखा हुआ है, ऊपर से मिट्टी देख रहे हैं। और इसकी रूट्स देखेंगे तो रूट्स बहुत ज़्यादा होती हैं इसमें। तो इसको जो हम डालेंगे न्यूट्रिशन, जो हम रूट फिलिंग करेंगे, बहुत सावधानी से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रूट्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा चलती हैं। ये देखिए मैं दिखा दूँ आपको गौर से, ये देखिए इस तरह हमने थोड़ा सा ही खोदा है, जबकि स्ट्रॉबेरी की रूट नीचे जाती हैं, इसके चारों साइड फैलती हैं, तो ये रूट्स दिखाई दे रही होंगी आपको। तो इसको हमें कट नहीं करना है, बड़े आराम से हमें इसकी रूट फिलिंग करनी है। तो रूट फिलिंग के लिए ये जैसे हमने खोदा और ये हमने डाल दिया इसके अंदर और ये रख दिया। इसी तरह दूसरी साइड देखेंगे, ये देखिए इसमें भी रूट, मतलब इसकी जो है ना बहुत चारों साइड में चलती है, बहुत ज़्यादा होती है रेनुकुलस की रूट्स। जैसे कि आप रेनुकुलस का बल्ब ही देखते हैं ना, कि वो एक तरह के रूट्स ही होती हैं, जो मोटी मोटी रह जाती हैं वो बल्ब बन जाता है। तो इस तरह से करना है कि वो रूट्स कटे नहीं। तो ये लिया, रूट फिलिंग के लिए मैंने लीफ कंपोस्ट लिया, जो कि हमारा बैक्टीरिया कल्चर में बना हुआ है लीफ कंपोस्ट, वो लीफ कंपोस्ट लिया है और कुछ नहीं है, मिक्सचर कुछ नहीं है, लीफ कंपोस्ट ले लिया सिर्फ। वो लीफ कंपोस्ट से इसकी रूट फिलिंग कर रहे हैं, और उसके बाद जो है ना 4-5 दिन जब बीत जाएगा पानी डालेंगे, कल, आज पानी नहीं डालेंगे इसको, कल पानी डालेंगे, और इसके बाद हमारा 4 से 5 दिन बाद गुड़ाई करके और फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र घोल के इसको हर, मतलब 8वें 10वें दिन आप डाल देंगे, तो बहुत 10वें दिन या 15वें दिन कह लो आप डाल लो, तो बहुत बढ़िया जो है इसका रिजल्ट आएगा। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों में ही ऐसा होता है, कोई मिक्सचर नहीं है ये। हाँ जी, वो हम लास्ट में क्वेश्चन कर लेंगे, ये हम प्रोसेस करके ना, इसके बाद लास्ट में हम ये क्वेश्चन का जवाब, मतलब क्वेश्चन नोट कर लीजिए, लास्ट में हम सारी क्वेरी ले लेंगे, ठीक है। ये जैसे ख़त्म होता है हमारा तीनों प्रोसेस, इसके बाद हम क्वेरी ले लेंगे। ओके,
तो ये देखिए जैसे मैंने खोदा और ये देखो रूट ही रूट जो है इसकी आ गई ये, तो ये रूट चल रही हैं। अगर इसको न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो ये प्लांट की ग्रोथ देखने लायक हो जाएगी आगे। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक ही बल्ब से कई पौधे, देखिए एक बल्ब लगाया हुआ है इसमें और इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 चार पौधे जो हैं एक बल्ब से ये फूटे हुए हैं, मतलब ये पूरा घना हो जाएगा। ये देख सकते हैं, तो देखिए ये चार पौधे एक ही बल्ब से स्प्राउट हुए हैं। और इसमें मेरे ख्याल से इधर से एक और निकल रहा है, मैं निकाल के दिखा दूँ आपको। ये देखिए ये छोटा सा कहीं रह गया होगा, ये अप कर रहा है। स्प्राउट की बात करें ना तो ये लेट भी करता है, एक तो देखो इतना बड़ा होगा एक साथ लगा और दूसरा जो है ये देखो ये अब जाके स्प्राउट हो रहा है, मतलब अब छोटा सा हुआ है 2 महीने बाद। तो कई बार ये लेट भी होता है, रेनुकुलस काफ़ी लेट भी चलता है। ये देखिए देख पा रहे हैं, नहीं उम्मीद नहीं छोड़नी है, पानी कम डालना है, हो सकता है कि 1.5 महीने बाद भी स्प्राउट करे। अब देखो एक साथ का लगा हुआ है और इसमें से स्प्राउट जो है अब देखो ये लग रहा है कि बस 15 दिन 10 दिन हुए होंगे, तो इस तरह से निकला है स्प्राउट। और ये बल्ब ये है, ये देखो ये बल्ब है, मतलब पूरा बल्ब लगभग ख़राब है ये इधर से, लेकिन ये एक हिस्सा जो था उसमें से स्प्राउट हो गया। तो इसको हम इसमें रखेंगे नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले 4 पौधे निकल चुके हैं एक से, और इस बल्ब में से भी आप ये देखिए कि मरे हुए से मरे में से भी 2 पौधा निकल रहा है, देख रहे हैं ना 2 स्प्राउट है इसके अंदर, 2 पौधा हो गया ये। तो इसको हम दूसरे छोटे गमले में लगा देते हैं, जब ये थोड़ा सा हो जाएगा बड़ा तो इसको उठा के हम कर देंगे। ये गमला मौजूद नहीं है मेरे ख्याल से यहाँ, तो ये देखिए ये हमने इस तरह से लगाना है कि ये बड़े आराम से फिट हो जाए, और थोड़ा सा पानी हम इसमें साथ के साथ डाल देंगे ताकि रूट जो है इसकी जो डिस्टर्ब हुई है वो सेटल हो जाएगी। ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इतना डालना है कि बस ये इसका रूट गीला हो जाए। इसको बहुत आराम से करना है क्योंकि इसकी जो रूट्स में बार बता रहा हूँ बार बार कि ये देखिए रूट्स, ये देखो आप दिखाई दे रहा है, हेलो हाँ, तो ये रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करते हुए हमने इसको न्यूट्रिशन देना है। ये हमने ये रखा और ये दे दिया इसको। इसमें भी यही करना है कि इसके जो शूट है, शूटिंग पार्ट है, उसके ऊपर खाद या मिट्टी नहीं भरनी चाहिए। तो अगर ज़्यादा होती है तो थोड़ी सी मिट्टी हम इसको बाहर निकाल देंगे रूट फिलिंग के टाइम। आप पूछ रहे थे इनमें से कि एक दिन का गैप क्यों देते हैं। एक दिन का गैप देने के पीछे एक रीज़न होता है कि जो हमने मिट्टी निकाली, इसके रूट को लूजन किया या खाद दिया, तो उसके बाद क्या होता है कि मिट्टी लूजन करने के बाद एक दिन हमने ऐसा छोड़ देना है कि कम से कम जो एरेशन होनी है, हवा जो उसके रूट्स को मिलनी है वो मिल जाए, 24 घंटे में हवा और धूप जो उसकी रूट्स को मिलनी है जो वो मिल जाए, इसलिए हम एक दिन का गैप डाल देते हैं। और इसमें भी देखिए जैसे नीचे का पत्ता है ये बिल्कुल ही ज़मीन पर है और पुराना हो गया पत्ता, इसको पत्तों को तोड़ देंगे ताकि नीचे से हमारी जो है ज़मीन बिल्कुल खाली रहेगी, जड़ खाली रहेगी। तो जो तोड़ने लायक है बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ना, 1-2 पत्ता अभी निकलेगा इसमें से, आगे आने वाले टाइम में इसके पत्ते नीचे के निकल जाएंगे। जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो नीचे के पत्ते जिनकी नेसेसिटी नहीं है वो हमारी निकालते रहेंगे ताकि नीचे से हमारा जो गमले की मिट्टी है उसमें धूप और हवा लग सके। मैं लास्ट में इसको लेता हूँ पॉटिंग मिक्स को ना, आप लास्ट में पूछ लीजिए, बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा, इसके बाद हम आपको बता देंगे। अब जैसे इसमें पत्ते सूखे हैं तो इसको नीचे से हम बिल्कुल खाली कर देंगे ताकि हमारी मिट्टी जो है वो मतलब धूप लग सके गमले की मिट्टी को नीचे से। एक तरह की जैसे
सकर्स कहते हैं या कुछ साफ सफाई जो होती है वो हो जाएगी। आप ये देख लो कि गौर से आप लोग देखें जो मैं काम कर रहा हूँ, इसमें मिट्टी देखोगे कितनी भुरभुरी है, मतलब सूखी मिट्टी है, ये नहीं है कि गीली मिट्टी है, बिल्कुल पानी डला हुआ है। तो इसको मतलब 6 से 7 दिन 8 दिन हो चुका है पानी डले हुए। और फिर पौधे देखो, पौधा कितना बढ़िया है, तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती इनको। अब जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा तो पानी की इंटेंसिटी भी हमें बढ़ानी पड़ेगी, मतलब जल्दी डालना पड़ेगा। लेकिन छोटा पौधा है तो कंजप्शन ऑफ वाटर जो है कम है, तो उस हिसाब से हमें पानी डालना है इसके। तो ये देखिए, ये रेनुकुलस का पौधा एक मैंने छोटे गमले में लगा दिया था। इसका स्पेशली मैंने लगाया है कि आपको रूट दिखा सकूं इसके, कि रूट्स कैसे हैं इसके। हम इसको क्या करेंगे, इसे ठोक दिया हमने, ये देखिए, तो ये निकल के आ गया है। आप रूट देख रहे हैं इसका, कि अभी ये छोटा पौधा है और पूरे गमले को इसके रूट्स ने कैप्चर किया हुआ है। दिखाई दे रहा है? हेलो, हाँ, तो ये रूट्स दिखाने के लिए मैंने इसको छोटे गमले में लगाया था। और ये एक ही बल्ब लगाया था, ये देखिए आप, आपके सामने लगा हुआ था। तो इसमें से देखो पौधा जो स्प्राउट हुआ है एक बल्ब के अंदर से, एक बहुत हेल्दी पौधा है और दो और हैं, मतलब ये 3 पौधा है, मतलब 3, 4, 5, 7 पौधे तो एक बल्ब में से स्प्राउट हो जाता है मेरा, मतलब एक बल्ब में से एक ही नहीं होगा। ये देखिए बल्ब दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है बल्ब, उसके साइडों से पौधे निकल गए और ये बल्ब अब ये मर रहा है, देखिए ख़त्म है ये। आप देखेंगे तो ये ख़त्म है बिल्कुल, ये देखो आप, और ये पौधे इसमें से नए तैयार हो गए हमारे, देख रहे हैं बल्ब आप ही। और ये पौधों ने अपनी जगह बना ली, ये जो प्लांट था ये, मतलब बल्ब था, ये ख़त्म हो चुका है, इसमें से ले लिया जो इसको न्यूट्रिशन चाहिए था। अब रूट देखे, रूट तो इसको शिफ्ट करने के लिए इसलिए मना करता हूँ कि अभी तो फिर भी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ। ये कहते शिफ्ट करना, शिफ्ट नहीं इसलिए करना है कि बहुत ही नाजुक होती हैं रूट्स, और ये काफ़ी हद से देखो टूट भी गई, तो बहुत ही सावधानी से इसको हम इसको शिफ्ट कर लेंगे। रूट आपने देख लिया, उससे पहले क्या करना है, इस गमले की मिट्टी उतनी खाली कर लेनी है जितने में ये हमारा फिट बैठ जाए। तो ये हमने ये खाली किया इसको, और इसको एज इट इज़ बिठा के जो एक्स्ट्रा मिट्टी या खाद डाल देंगे तो ये बिल्कुल सर्वाइव कर जाएगा, ऐसे जैसे सर्वाइव करना चाहिए इसको। बट ये चीज़ इसकी टूटनी नहीं चाहिए, अगर ये टूट गया तो सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा इसका। तो ये देखिए, इसको खाली किया इतना, और इसको एज इट इज़ हमने इसमें फिट कर दिया। अब क्या करेंगे, खाद डालना है या मिट्टी डालनी है, इस तरह से इसके खाद साइडों में फिल कर देंगे। ये जो हम लीफ कंपोस्ट ले रहे थे इसको हमने फिल कर दिया। तो शिफ्टिंग का टाइम जो है इसी साइज़ में आप पौधा शिफ्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो आप शिफ्ट नहीं कर सकते, फिर इसकी रूट टूटनी ही टूटनी है, और टूटेगा तो फिर वो दिक्कत आएगी आएगी। देखते हैं, ये है हमारा कैलेंडुला, कैलेंडुला डबल है, कैलेंडुला की मैंने भी पहले भी बताई है और आज फिर बता देता हूँ। कैलेंडुला जो है ये सिर्फ फ्लावर नहीं है, एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है, मेडिसिन में मतलब एंटीबायोटिक है ये। इसका पत्ता फूल सभी काम का होता है, और सीड का ऑयल जो है वो बहुत सारे मेडिसिन में लिया जाता है इसका। और इसके पत्ते की बात करें तो पत्ते का जो रस है, किसी तरह की आपकी इचिंग की प्रॉब्लम हो, किसी तरह का जख्म हो कोई बॉडी पे कहीं, तो उसके ऊपर इसका रस अगर लगाते हैं आप तो वो बड़ी जल्दी हील हो जाता है। तो कैलेंडुला एक बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक है। और इसके फ्लावर्स की बात करें तो जब फूल आपका खिलता है तो सुंदर तो फूल होता है, जब वो फूल सूख जाए तो उसके पेटल्स आपको ड्राई करके, शेड में ड्राई करके और रख लेने चाहिए। आप चाय में या दूध में बॉयल करके आप लेंगे तो बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो नेचुरल तरीके से इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो क्या होता है, एंटीबायोटिक जो हमारा केमिकल एंटीबायोटिक है, हमारे बॉडी के बहुत सारे जो गुड बैक्टीरिया है उसको भी ख़त्म कर देता है, जो नुकसानदेह बैक्टीरिया उसके साथ साथ। लेकिन इन चीज़ों को लेंगे तो सिर्फ जो बुरी चीज़ें हमारे शरीर की वही ख़त्म होगी, दूसरी चीज़ें नहीं मरेंगी। जैसे नीम खली है उसको यूज़ करते हैं हम, तो इसी तरह से हम इसको नेचुरल तरीके से अपने बॉडी की इम्यूनिटी के लिए
हम यूज़ कर सकते हैं, इसके फूल को यूज़ कर सकते हैं। ऑयल का तो मेडिसिन में लेते हैं अपने एक्सट्रैक्ट करके, आयुर्वेदा में बहुत ही और होम्योपैथी में बहुत इसका यूज़ है। कैलेंडुला पाउडर के नाम से भी आता है, जो गर्मियों में आप यूज़ करें तो किसी तरह की जो फोड़े फुंसी और इचिंग की जो दिक्कत है वो नहीं होती है आपको। तो इसके मेडिसिनल गुण भी बहुत हैं। तो आपका घरों में अगर लगा हुआ है कैलेंडुला, तो उसके जो पेटल्स होंगे फ्लावर के पेटल्स, उसको सुखा करके आप यूज़ में ले सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। प्लीज़ नोट डाउन कर लें। तो इसकी केयरिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी इसी तरह से इसको लूज़ करेंगे, नीचे से मिट्टी लूज़ कर दी हमने। एक गमले में दो पौधा लगाया है और इसका देखिए ग्रोथ। तो नीचे से हम क्या करेंगे, ये कुछ पत्ते जो एक्स्ट्रा हैं इधर उधर फैल रहे हैं उसको हमने तोड़ दिया। और जो बीट्स वगैरह छोटी होंगी उसको निकाल देंगे हम। निकालने के बाद ये वही रूट फिलिंग का जो मेथड है, ये देखिए इस तरह से हमने किया और ये मुट्ठी भर के इसके अंदर ये फिटिंग कर दी इसकी। इसी तरह दूसरी साइड से बहुत हैवी फ्लावरिंग लेनी है, लंबे टाइम तक लेनी है तो ये चीज़ इसकी हमें करनी पड़ती है। और ज़्यादा फूल लेने के लिए क्या करना है, ये देखिए ये जो आ रहा है इसका बड्स आने की चांसेस है, ये आ गए बड्स, ये देखिए बड आ गया। तो हमें ज़्यादा फूल लेना है तो हम क्या करेंगे, आप देखते जाइए ध्यान से, वैसे तो बुशी है लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो बड़ आ रहा है आपका, इसको हम यहाँ से ये देखो यहाँ से हमने ये देखते रहिए, ये हमने तोड़ दिया, ये ख़त्म हो गया है। जो बड़ आ रहा था वो हमने इसको पहला बड़ इसको ख़त्म कर दिया। अब होगा क्या कि इसमें से जो एक फूल आना था, आप ये देखिए नोट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9 और ये 10, एक पौधे के अंदर से ये 10 ब्रांच निकलेगी ऐसे। और दूसरे पौधे को भी हम देखें, इसको तोड़ने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया, लेकिन क्या है कि जैसे ये बहुत छोटा है तो इसमें आपको पता नहीं लगेगा बर्ड्स कहाँ से हैं, बर्ड नीचे है बिल्कुल, तो थोड़ा ऊपर आए, जैसे इसका ऊपर आया हुआ था तो हमने तोड़ दिया। अब एक में से जो है ना 10 ब्रांचेज इसकी निकलेंगी, तो 10 निकलेंगी तो दो पौधा हमने लगाया है तो 20 ब्रांचेज हो गई। अब 20 ब्रांचेज जब फूल देगा तो गमला जो है आपका अपने आप ही भर जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि हम एज इट इज़ छोड़ देंगे तो क्या होगा कि वही जैसे ये देखिए अब ये फूल ऊपर आ गया है, देखो बोरिंग आ गई ना, तो रूट फिलिंग का सही टाइम है। अब इस बड को हम ऐसे अब क्लियर दिखा दूँ मैं आपको, ये देखो इसको सिर्फ एक बड को हमने ये निकाल दिया। अब इसके साथ जो ये निकल रही हैं, इसकी जो ब्रांचेज निकल रही हैं देखिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब कम से कम जैसे इसके पत्ते काउंट करें तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पत्तों का है तो हमने तोड़ना है। अभी जितनी ब्रांचेज है ये जो फोकस एनर्जी जो इस एक फूल के ऊपर फोकस होनी थी वो सबको मिल जाएगा। और ये सारा ले करके रूट फिलिंग होने के बाद एक में से 10 ब्रांचेज निकलेंगी और इस तरह से हमारी फ्लावरिंग जो है बहुत मात्रा में हो जाएगी। ये बहुत ही गहराई वाली बात है, आप इसको ध्यान से देखें, नहीं तो क्या होता है कि हम लगाते हैं हाइब्रिड भी होता है, वो नर्सरी में भी देखते हो आप कि एक फूल आया दो फूल आया और उसी को देख करके हम ले आए, बस वहीं पे वो ख़त्म हो गया। तो वो ख़त्म नहीं करना है हमें, हमें लेना है गमलों में लेना है, थोड़ी सी न्यूट्रिशन डालनी है, ध्यान रखना है, फुल फ्लैश लेना है। जैसे कि मैं देखो ब्लूम ले रहा हूँ, चाहे वो डेलिया हो, क्रेसेंथीमम हो, गुलाब हो, किसी में भी है, तो हम पूरी फ्लावरिंग भर के लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या टिप्स करनी है ये देखिए, अब इसका भी मैं दिखाऊँ, ये देखो ये बड बन रहा है, इस बड को हमने तोड़ देना है, मतलब एक के लालच में आपने नहीं पड़ना है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चनिंग बाद में कर लेंगे, नोट कर लो आप, अभी मैं बस जस्ट 10 मिनट का टाइम लूँगा आपका, इसके बाद मैं आपके डाउट ही लूँगा, डाउट में आप जो भी पूछेंगे, चाहे एक घंटा लग जाए, डेढ़ घंटा लग जाए, मैं सारे जवाब दूंगा आपके। और इसके जो एक्स्ट्रा पत्ते हैं वो नीचे से हम निकाल देंगे, जो ज़मीन के साथ बिल्कुल हैं, जैसे ये पुराने हो गए, थोड़ा सा पीलापन आ गया पत्तों में, तो उसको हम निकाल देंगे, तो प्लांट के ऊपर एक्स्ट्रा लोड जो है नहीं पड़ेगा और नीचे से हवा जो है प्लांट में हमारे पास हो सकती है। और एक बात बता दूं, जो ये पत्ता है इसको आप डिकम्पोज करके एज ए मेडिसिन प्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम एंजाइम बनाते हैं उस तरह से इसको अलग से डिकम्पोज करें
और डिकम्पोज होने के बाद इसका हम एंजाइम के रूप में भी यूज़, मतलब स्प्रे के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे मैंने बताया इसके अंदर एंटीबायोटिक के गुण होते हैं, मतलब एंटीबायोटिक एक तरह का है ये, तो ये प्लांट के लिए मतलब इम्यूनिटी बूस्टर कह लो और जो प्रोटेक्शन लेयर है एक पैदा करेगा। आप देखेंगे कि जल्दी से इसमें कीड़ा लगता नहीं है, कैलेंडुला में जल्दी कीड़ा लगेगा नहीं। सुंडी तो किसी चीज़ को नहीं छोड़ती है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, सुंडी भी दिखाता हूँ कि कैसे खा रही है और पत्तों को खा लिया है। तो सुंडी किसी चीज़ को नहीं छोड़ती, लेकिन वो हेल्दी हो जाता है। और ये पत्तों को हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसी तरह से इसको लूज़ किया, इसको जगह बनाई और ये मुट्ठी भर के उठाया। और ये देखिए बहुत सिंपल वे है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई टेक्निकल बंदा आएगा, माली आएगा तभी करेगा, हम भी बड़े इजीली आराम से बैठ के इसको कर सकते हैं अगर थोड़े गमले आपके हैं तो, और नहीं तो माली से भी कराना है तो आप अपनी गाइडलाइंस में करा सकते हैं। जब आपको पता चीज़ ऐसे करनी है तो आपको मतलब इधर उधर बरगला नहीं सकता ये। और ये क्या किया इसने, ये जैसे मैंने बताया कि ये जो है ना मतलब खा करके ये भी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, जल्दी मरेगा नहीं किसी चीज़ से, क्योंकि इसने एंटीबायोटिक खा लिया है तो कोई चीज़ असर नहीं करेगा। ये देखो पत्तों को कैसे खाया है इसने, ये पत्तों को खा के रात को खाता है ये सुंडी, दिन में कभी भी पत्तों को खाता हुआ नहीं मिलेगा। अब रात को खा करके और यहाँ जो है ना साथ में गमले पे चिपक गया है दिन में, ये देखिए तो इसको आपको क्या करना है, हटा के यहाँ से हटा लेना है, मतलब बिल्कुल ही, क्योंकि मरेगा नहीं जल्दी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई डालेंगे तभी मरेगा। तो ये देखिए इसके पत्तों को कर दिया है, छेद कर दिया इसने, और भी ये देखो इस पत्तों को भी कर दिया है, ये इस तरह का जो है ना सुंडी ख़त्म कर देती है। तो इसको हम इसको एज इट इज़ उठा लेंगे और एक तरफ कर देंगे, कहीं इसको हटा देना है आपने। ठीक है जी, तो इस कीड़े से प्रोटेक्शन के लिए तो आपको मैंने बताया है, जो इस तरह का कीड़ा है तो उसको हटाने के लिए एक ही है आपका प्रोफेक्स सुपर काम करता है, अगर केमिकल में बात करें तो। क्योंकि जो ये कीड़ा क्या है कि कहीं से आया नहीं, ये जो और हमारे जो अपना कीड़े हैं तितली है ये अंडा देती है, तो जो अंडा से निकलते हैं तो ये एक तरह का जो है ना लार्वा कहेंगे इसको, तो ये चीज़ होती है, कहीं और से चल के नहीं आता है, ये यही अंडा देता है और अंडे जब हैच होते हैं तो उसमें से ये निकल जाता है और फिर अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए वो उसको पत्तों को ही भोजन बनाता है। और जो बढ़िया हो इनको भी पता होता है, जो अच्छी चीज़ें हैं उसी के ऊपर ज़्यादा अटैक करती हैं। इसमें भी देखेंगे हम कि अगर ये बर्ड आ रही है, ये देखिए खा लिया इसने पत्तों को, आज पकड़ा गया तो अलग कर दिया, ये बर्ड आ रही है इसको हमने ये तोड़ा, ये बर्ड हमने तोड़ दिया, ये फूल के लालच में नहीं हम पड़ेंगे। और मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 दिन बाद इसकी ग्रोथ दिखाऊंगा, मतलब अगले वीक देखेंगे तो अगले वीक तो चेंज होगा ही, उससे नेक्स्ट वीक आपका इसमें फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग हो जाएगी। कीड़े को हटा के फेंक देना है, कहीं बाहर फेंक दें, किसी उसमें दबा दें, मतलब उसको मार देना है कहने का मतलब, नहीं तो वो क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे वो फिर कहीं ना कहीं से चल के और फिर प्लांट को जो है नुकसान पहुँचाएगा, फिर खाना शुरू करेगा, क्योंकि उसको तो अपना लाइफ स्पैन पूरा करना है ना, जल्दी से बड़ा होना है तो वो खाएगा, तो रात दिन उसको कतर कतर के खाता है। और फूलों पर ज़्यादा करता है, जब ये बर्ड्स आ जाएंगे ना तो बर्ड्स को बड़ी तेज़ी से खाते हैं ये लोग, और बर्ड के अंदर तो ऐसे घुस जाते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता कि अंदर अंदर उसको बर्ड्स को ख़त्म कर देगा। जब फूल खिलेगा तो वो कटे कटे फूल निकलेंगे, तो कहते हैं कटा कटा फूल आ गया, क्या होता है कि अंदर ही घुस जाता है ये छोटे रहते रहते होल करके, जैसे आपने अमरूद के अंदर देखा, बैंगन के अंदर देखा है कि वो कीड़ा अंदर से निकलता है, बैंगन ऊपर से ठीक ठाक दिखेगा जब आप काटेंगे तो उसके अंदर कीड़ा होता है ना कई बार, वो इसी तरह छोटे फॉर्म में ही घुस जाता है अंदर। या फिर क्या होता है कि कई मक्खियाँ ऐसी होती हैं कि वो होल करके उसमें एग दे देती हैं और वो अंदर ही अंदर वो पनपता रहता है। नहीं ठीक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी है, लेकिन पॉलिनेशन का करेंगे तो एक तितली जो है सैकड़ों अंडे देती है एक टाइम में, और वो अंडे जब फूटेंगे तो वो देखते हैं ना कई बार हमारे एक पौधे के ऊपर पूरा पत्ता बिल्कुल खा गया,
तो वो अंडा हैच होता है और 100 कीड़े उसके अंदर से निकले तो वो पूरा जो है पेड़ खा जाएगा आपका, पूरा खा जाएगा। तो उसको पनपने के लिए और जगह बहुत हैं जहाँ पे बड़े पेड़ों पे वहाँ पे कर जाए, तो ये इस जगह पे दे देते हैं। तो हमारा ये हम जो लगाते हैं, मान लो कि अपने 10 पौधे हैं और 10 पौधे को ही ख़त्म कर दिया, तो वो पॉलिनेशन की बात तो बाद में आएगी, पहले पौधा ही ख़त्म हो गया, वो रीज़न है। ठीक है, इको सिस्टम का पार्ट है, लेकिन मतलब जगह जो है उनकी सबकी निश्चित होती है ना। अब स्नेक है, स्नेक भी हमारा जो है इको सिस्टम का एक पार्ट है, फूड साइकिल का, लेकिन उसको जंगल में रहना चाहिए, हम घर में तो नहीं रहने दे सकते ना। तो इसी तरह से इसका भी हम देखेंगे, अगर यहाँ रहेगा तो ये जो जो भी कुछ है हमारा वो चट कर जाएगा। और इतनी तेज़ी से खाते हैं ये कि आज देखेंगे, अगर एक दिन दो दिन नहीं देखा, दो दिन में पौधा समाप्त है आपका, ख़त्म। अब ये अकेला ही था, देखो 4-5 पत्तों को खा लिया था इसने। और इनको पकड़ने का एक तरीका यही है कि रात को 9 बजे के बाद जब आप आएंगे ना, 9 बजे 8 बजे आप आएंगे तो इन पे देखेंगे बड़ी तेज़ी से खा रहे हैं, रात के अंधेरे में ही खाते हैं ये पत्तों को। तो हमारी ये रूट फिलिंग का प्रोसेस जो हो गया, देख लिया आपने। अब हम इसको आज पानी नहीं डालेंगे, कल पानी डालेंगे इसमें, और फिर 4-5 दिन रुक करके लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैंने बताया है 1:4 में, इसका 200-200 ml, जैसे इसमें है तो 300 ml भी डाल सकता है क्योंकि पौधे बड़े हो गए। स्ट्रॉबेरी में अभी 200 ml डलेगा, और जब 10-15 दिन बाद डालेंगे तो वो 300 ml डालेंगे, उससे बड़े फिर बड़ा हो जाएगा तो 400 ml हमारा डल जाएगा। तो ये मेरा प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म हुआ।